सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं मुसलमान खान, आज मैं आपसे अनंत खान से मुलाकात करा रहा हूँ। अनंत का तारुफ इस तरह से आप समझिए, योजना के विधायक हमारे अब्दुल्ला खान साहब के बेटे हैं और एक फैसला जो इनको नेशनल लेवल के लाइम लाइट में ले आया, इन्होंने प्राइवेट स्कूल को छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में योजना के युगाबाई स्कूल में एडमिशन किया। ये फैसला बहुत कम लोग करते हैं। बहुत बड़ा था, क्योंकि हर आदमी हर परिवार ये चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, मगर वैसे हालात से बच्चे को निकाल कर सरकारी स्कूल में लिखवाना, ये बता रहा है। हमारे सामने बहुत अच्छी शुरुआत की और एक मैसेज दिया समाज को, नहीं अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो खुद परिवर्तन पहले अपने अंदर लाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये बताइए और अमानत साहब की बहुत तारीफ भी हुई, आम लोगों तक ये मैसेज गया कि भाई इन्होंने कमाल कर दिया, बहुत कम लोग इस पॉइंट पर। ये वाकई आपको लग रहा है कि ये गुड डिसीजन था, गुड डिसीजन था क्या? वाकई परिवर्तन है, चेंजेस है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आपको क्या लगता है कि वहाँ क्वालिटी, क्योंकि आप उसी जगह पे रहते हैं, आपका घर रहा होगा, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा मेरे हिसाब से 4-5 साल पहले कि मैं इस बगल के स्कूल में पढ़ूंगा, और अचानक अरविंद जी या मनीष सिसोदिया जी या आतिशी जी का इतना ज़बरदस्त काम एजुकेशन पर और लगातार रिजल्ट बेहतर होते चले जा रहे हैं। वाकई एक आम लोगों में विश्वास भर रहा है आपके पिताजी ने, खासकर है ना, एग्जाम्पल क्रिएट करके। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, आम जनता को, चोकला की जनता को, कि अब वक्त आ गया है सरकारी स्कूल से जुड़ने का, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कहने की क्या बात है, क्योंकि सरकारी स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, ये मैंने देखा प्राइवेट से। प्राइवेट में बस उन्हें अपने पैसे चाहिए, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि बच्चों पे सही, उन्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो जाने दो, वापस स्कूल पे ज्यादा ध्यान दिया। सरकारी स्कूल का मतलब तो समझते हैं ना, जो पहले जो मेंटल सेट था वो था गरीब का बच्चा जाता है ना, अच्छा बच्चा नहीं जाता है, बच्चा गंदा होता है। क्या वाकई अब जो माहौल है डिसिप्लिन कहता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो सोच बदलनी पड़ेगी, सोच वाकई बदलनी पड़ेगी। आप सेटिस्फाइड है खुद अपने आप से? अच्छा, वहाँ अब देखिए तफाक की बात, किस्मत क्या, वहाँ कितना सुंदर, आप लोगों को बचाऊंगा अपना कैमरा पर्सन को उनको दिखाई, कितना सुंदर स्कूल है। ये उमड़ा वालों के लिए एक तोहफा है, हमारे MLA साहब की तरफ से, क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया लगातार वो मेहनत कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, और ये स्टोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमारा काम भी एजुकेशन और ये अब वो भी प्राइवेट से कम है भाई, सही फैसला था परिवार का, है ना। वाकई आम आदमी पार्टी काम कर रहा है, कोई भी आदमी विधायक होना अलग बात है, मेरा अपना जो मानना है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंडिकेशन है समाज में, क्योंकि मैं समाज में लोगों को जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, देखता हूँ। तो आपका खुद ये बताना और ये फैसला लेना, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस स्कूल में और बेहतर होगा, क्योंकि इतने अच्छे क्लासरूम, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई मैसेज ओखला वाले को अगर आप देना चाहें आम लोगों को कि इस स्कूल से जुड़े, इस स्कूल से जुड़े, क्योंकि ये स्कूल अब किसी प्राइवेट स्कूल से तो कम है नहीं है, बल्कि ये प्राइवेट से भी बहुत अच्छा है। प्राइवेट देखिए, अमाना साहब के बेटा है, मैं विधायक साहब के बेटा है, हमें बड़ी खुशी हुई, और ये फैसला बहुत कम लोग अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं, और ये सच्चाई है इस बात को लेकर कि अमानत साहब ने एजुकेशन में अपने इलाके के लिए बेहतर, देखिए हमने 3 टर्म्स के विधायक को देखा है, मगर अमानत साहब में एक क्वालिटी ज़रूर है जो मैं पाता हूँ,
कि मैं लगातार सोशल मीडिया पर फेसबुक से ग्रुप से कनेक्ट हूँ, लगातार स्कूल से आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, डांटता नहीं है, आपका बेटा है नहीं ऐसा पहले कह दिया जैसे और बच्चों को ट्रीट करते हैं। हाँ, अब क्लास वगैरह के बारे में पूछते हैं, बातचीत करते हैं, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में मैंने देखा एक फुटेज है फेसबुक पर, देखा मैंने कि पापा आपसे बैठे हुए हैं एज ए पेरेंट्स मीटिंग में, हर महीने एक ना एक क्योंकि वो जरूरी है कि बच्चों के हालात की कैसा है अब क्या है। पहले मैंने देखता था कि लाल स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ तो बच्चे पीछे भागते थे, अब उनका मन लगता पढ़ाई पहले उस वक्त देखते वही मैम कह रहा पहले बच्चे भागते थे, मगर अब कहीं ना कहीं सिस्टम में चेंज आया है ना, क्रेडिबिलिटी में जो लोग स्कूल को लेकर काम कर रहे हैं, आप लगता है कितनी वक्त या बातचीत बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक मैसेज जरूर दीजिए सोसाइटीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा।